everybody win in your mind and you will win at life mindset is everything today is 28th of october 2022 let us have a quick discussion of all these important topics this is prelims 2023 course for a nominal fee of rupees 1111 you can avail all this all these initiatives we are having live classes every day join ये एग्जाम टारगेट कर रहे हैं ट्वेंटी थ्री को एंड दिस इज नॉट अ अग फी दिस इज अ वन टाइम फी वन टाइम फी दिस नंबर इज वेरी वेरी स्पेशल सो वी आर नॉट गोइंग टू चेंज इट द फी इज गोइंग टू बी रुपीज डबल वन डबल वन ऑनलिंग ओके देन दिस इज टेलीग्राम क्वेज एवरीडे इन मॉर्निंग वी आर हैविंग फाइव सच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज्वाइन दिस इज क्विज वन सेवन टू रिवर्स मानसरोवर के पास लेक इन तिब्बत में सोर्स ऑफ रिवर है ब्रह्मपुत्रा का भी सतलज का भी और इंडस का भी एनसीईआरटी का एक चैप्टर है ड्रेनेज सिस्टम क्लास एनसीईआरटी बहुत अच्छे से आप उसको पढ़ लो रिवर से रिलेटेड आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी सवालों में इन योर एग्जामिनेशन नर्मदा वैली लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेज द आंसर इज सतपुड़ा एंड विंध्यांचल विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉल्स इन टू द अरेबियन सी द आंसर इज ताप्ती

आज की वोकैबुलरी है प्रोपोनेंट प्रोपोनेंट मतलब आप किसी चीज के समर्थक है जैसे वी आर समर्थक ऑफ दिस लाइक नो शॉर्टकट्स पढ़ाई में शॉर्टकट्स नहीं होते हैं वर्क सिस्टमैटिक डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट सो समर्थक इज अ पर्सन हु एक्टिवली सपोर्ट्स और फेवर्स अ कॉज ओल्ड स्कूल इज अ गुड स्कूल एडवोकेट सपोर्टर एंड अपहोल्डर सेसेशनिस्ट टेंडेंसी है मतलब अलगाववादी है बायोफोकेशन डिवीजन पार्टीशन डिस्पैरज मतलब अपमानित करना डेनिग्रेट डेप्रिकेट एंड डेप्रिशिएट डेरेलेक्ट का मतलब त्याग किया हुआ इन अ वेरी पुअर कंडीशन जैसे डेरेलेक्टेड है डेलेपिडेटेड है कोई ओल्ड बिल्डिंग है

देन में ये है आंसर राइटिंग सेशन तो आंसर राइटिंग सेशन का जो डिस्कशन है वी आर डूइंग इट एवरी डे बट टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो प्लस ये जो सवाल है ये सबके लिए ओपन है आप इस सवाल का तैयार करो प्रिपेयर अ नोट ऑन द स्टबल बर्निंग

बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा दिस दिस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का तो आंसर राइटिंग हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ आंसर राइटिंग नहीं करते वी ऑलवेज ट्राई टू राइट आंसर्स ऑन सच टॉपिक्स जिससे हमारी लिखने की प्रैक्टिस हो जाए बिकॉज लिखना हम बहुत अवॉइड करते हैं लिखना हम पर्याप्त होता नहीं है लिखना जरूरी है सो so, लिखने की प्रैक्टिस हो जाए जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसको अपने शब्दों में कंसोलिडेट कर ले और एक डिसिप्लिन वे में हम बैंक करते हुए चले जो भी हमने पढ़ा है ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है थोड़े ही टाइम पर अगर आप ऐसे कॉन्टिन्यू करोगे आपके पास एक पूरा बंडल बन जाएगा सेल्फ नोट्स सेल्फ नोट्स सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का

ये कुछ बहुत अच्छे पॉइंटर्स हैं जिसको आप एज इट इज़ अपने सजेशंस में आंसर राइटिंग्स में आप इसको एज इट इज़ यूज़ कर लो ये टैंपलेट रेडीमेड टैंपलेट्स है फॉर एग्जाम्पल एनर्जी सेव करना है तो आप एल बल्ब को करो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करो स्टेयर्स को यूज करो एलिवेटर वेन एवर पॉसिबल सीढ़ी चढ़ के अगर ऊपर जाओगे तो इससे मोटापा हेल्थ भी कम हेल्थ भी ठीक होगा सो स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ एन एलिवेटर वेर एवर पॉसिबल स्विच ऑफ व्हीकल व्हीकल को स्विच ऑफ कर दो रेड लाइट एंड रेलवे क्रॉसिंग्स अननेसेसरी फ्यूल बर्न नहीं करना है यूज बाय साइकिल्स फॉर लोकल और शॉर्ट कम्यूट स्विच ऑफ इरीगेशन पंप आफ्टर यूज सी एन जी एन पैस ई वी इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करो पेट्रोल डीजल के बजाय इंटरनल कम्बशन इंजिन नॉट गुड दैन कार पुलिंग करो वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कार पुलिंग कैन यू टेल कार पुलिंग का मतलब क्या होता है ड्राइव इन करेक्ट गेयर ज्यादा रेस नहीं देना चाहिए क्लच को ज्यादा किफायत से यूज करना है इंस्टॉल अ सोलर वाटर सोलर कुकर हीटर सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करो स्विच ऑफ अप्लाइंस फ्रॉम प्लग पॉइंट वेन नॉट इन यूज कई बार वो डिस्चार्ज होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं बायोगेस को यूज करो टेम्परेचर ए का बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए ट्वेंटी डिग्री ओके है ट्वेंटी डिग्री से ऊपर भी रख सकते हैं इट इज नॉट अबाउट अठारह बीस रखना है इससे ज्यादा बिजली खर्चा होता है प्रेफर प्रेशर कुकर ओवर अदर कुकवेयर प्रेशर कुकर का कॉन्सेप्ट क्या होता है कैन यू टेल प्रेशर कुकर में कम टाइम पे खाना जल्दी क्यों बन जाता है बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इंपैक्ट होता है टेल साइंस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एनर्जी सेविंग मोड में यूज करो स्मार्ट स्विचेस करो फ्रिक्वेंटली जो यूज होते हैं एनर्जी सेव होगा कम्युनिटी अर्दन पॉट्स यूज़ करो फॉर कूलिंग वाटर फ्रिज को डीफ्रॉस्ट करो रेगुलर यूज़ करो मेंटेन रखो आउटडोर आप रन कर सकते हो इंस्टेड ऑफ़ ट्रेडमिल फाइव ए एम रनिंग करो तो नेक्स्ट वाटर सेव्ड अब देखिए आप वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स के बजाय मिलेट्स को यूज करो कौन सा साल मिलेट्स ईयर है टेल पार्टिसिपेट करें रिचार्ज ऑफ रूरल वाटर बॉडीज में भी अमृत सरोवर स्कीम देन क्रॉप डायवर्सिफिकेशन करें राइस और व्हीट के बजाय पल्स एंड ऑयल सीड लगाए एफिशिएंट वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी करें जैसे माइक्रो इरिगेशन बंडिंग फार्म जीरो डायरेक्ट सीडेड राइस वेटिंग एंड ड्राइंग अदर ये जो पूरे पॉइंटर्स है ना करीब सेवेंटी फाइव ये गोल्ड माइन है बहुत इंपॉर्टेंट रेडीमेड पॉइंटर्स है इसको एज इट इज आप आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो और इनमें जो भी की का मतलब नहीं जान रहे हैं तो उसको भी आप पढ़ के समझना बंडिंग क्या होता है फार्म पॉइंट क्या होता है लाइक like दैट रेन वॉटर हार्वेस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट ड्रिप इरीगेशन आप यूज करो री यूज वाटर करो रिड्यूज री रिसाइकल एक वर्ड हमने पढ़ा था ग्रे वाटर व्हाट इज ग्रे वाटर कैन यू टेल प्री सोक हैवी पॉट्स को करो बिफोर वॉशिंग पानी कम लगेगा अनयूज स्टोर्ड वाटर जो है उसको आप रीयूज कर सकते हो डिस्कार्ड नहीं करो उसे बकेट्स को यूज करो बजाय पाइप्स के एटसेट्रा बकेट्स में पानी कम लगता है

कपड़े का थैला लो जब भी आप बाजार से कुछ सामान खरीद रहे हो वाटर बॉटल्स आप अपना कैरी करो री करो ग्लास कंटेनर पैकेजिंग प्लास्टिक आइटम या स्टोरेज बॉक्सेज ऐसा नहीं कि एक बार यूज करके उनको थ्रो कर दिया मोबिलाइज करो क्लीन अप ड्राइव करो अक्सर सीज में हम देखते हैं या फिर गार्बेज का जो पॉइंटर बन गया उसको आप चेक करो नॉन प्लास्टिक इको फ्रेंडली कटलरी यूज करो टर्न ऑफ रनिंग टैप्स वेन नॉट इनएल कप्स यूज हो सकते हैं इंस्टेड ऑफ सैनिटरी नैपकिन वेस्टेजेस जो होता है वो कम हो सकता है देन रिसाइकल्ड प्लास्टिक वेस्ट ओवर वर्जन प्लास्टिक वेर एवर पॉसिबल सो द आइडिया इज जो वेस्ट जनरेशन है डिस्पोजल वेस्ट जनरेशन है चाहे वो मेडिकल वेस्ट हो वॉटर इसको मिनिमम करने की हमें कोशिश करना है आप स्टील रिसाइकलेबल प्लास्टिक लंच बॉक्सेस यूज कर सकते हैं रिसाइकल करो ये नहीं कि एक बार पहन लिया तो दोबारा नहीं पहनना है सिमिलरली क्लोथ्स में भी ऐसा कहां लिखा है कि एक कपड़ा एक ही बार पहनना है आपके पास वॉशिंग मशीन है आपके पास डिटर्जेंट है यू कैन यूज दोज क्लोथ्स अगेन

स्मॉलर प्लेट्स फॉर डेली मील करो टू सेव फूड वेस्टेज अक्सर हम बहुत सारा खाने की प्लेट में ले लेते हैं उतना खा नहीं पाते और वो सब वेस्ट जाता है हमको वेस्ट रिड्यूस करना है और इसके लिए जैसे गोवर्धन योजना थी रिड्यूस रीयूज रिसाइकल सेग्रीगेशन करना बहुत ज़रूरी है डिफरेंट कैटेगरी ऑफ वेस्ट को एग्रीकल्चर रेसिड्यू कंपोस्ट मेन्योर मल्चिंग इन सब को हम यूटिलाइज करें ओल्ड न्यूजपेपर मैगजीन्स को आप यूटिलाइज करो अनकुक्ड वेजिटेबल लेफ्ट ओवर है उसको कैटल को दे दो प्रिंटर डिफॉल्ट टू डबल साइड एक डुप्लेक्स प्रिंटिंग होती है पेज के दोनों तरफ प्रिंट करो इससे पेज बचेगा

प्रोडक्ट्स करो प्रोसेस्ड फूड कम करो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कम्युनिटी लेवल पे आप स्टार्ट करो मेडिसिनल प्लांट्स जैसे नीम तुलसी गिलोय मिंट करी अश्वगंधा इन सब को हाउस होल्ड में लगाओ नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग करो प्लांट ट्री करो देन जो सोवेनेर है वो कोशिश करो कि हम किसी भी एनिमल क्रोएलिटी वाला प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे वॉलेंटियर करो आप फूड एंड क्लोथ बैंक में एनिमल शेल्टर में आप ग्रीन क्लब्स अपने ज्वाइन कर सकते हो आपके पास बहुत सारे वुलन क्लोथ्स हैं जो अब आपके छोटे हो गए आप नहीं पहनने वाले किसी ज़रूरतमंद को वो हम डोनेट कर सकते हैं ई वेस्ट में भी आपको डिस्कार्ड नहीं करना है पुरानी डिवाइसेस उसको रिसाइकिल करना है रिचार्जेबल लिथियम आयन सेल्स यूज कर सकते हो आप सो द आइडिया इज़ कि ई e वेस्ट को भी कम करना है और ये फैंसी गिमिक्स में भी नहीं आना है जैसे हम मोबाइल लेते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस में इतने चेंजेस आते नहीं है सो इट इज नॉट लाइक कि हमेशा हमारे पास लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट गैजेट ही होना चाहिए पुराना हमने डिस्ट्रॉय कर दिया वो आप प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो जब तक उसकी लाइफ साइकिल है इन सब चीजों से क्या होगा कि वेस्टेज जो हम जनरेट कर रहे हैं ये कम होगा ये एम का अच्छा सीरीज आ रहा है ए बी सी डी करके वो पूरा बताएंगे तो आज ए है ए मतलब ऑल्टरनेटिव टू प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक को नहीं करना है अब देखो ये जैसे बैम्बू की बॉटल्स है क्यों ना हम इनको यूज करें ये डिग्रेडेबल है सिमिलरली बायोडाइवर्सिटी को हम रेस्पेक्ट करें है ना ड्यूरिंग वॉकिंग या आप हाइकिंग ट्रेल घूमने जा रहे हो उस तरीके से आप तो हम ट्रैम्पल नहीं करें वेजिटेशन को साइडवेज वेज यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं हम आइवरी लेदर ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं खरीदें जिससे एंडेंजर्ड स्पीशीज से जो सोर्स किया गया है ओके okay? तो ये बहुत अच्छा पूरा पेज है इसको एक बार आप अच्छे से देखना मैं पीडीएफ शेयर करूंगा ये ओके न्यूज़पेपर की बात करें तो पहला है स्टेट शुड हैव अ यूनिफॉर्म पॉलिसी लॉ एंड ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर सुप्रीम होता है कानून के हिसाब से काम होना चाहिए तो होम मिनिस्ट्री रेस्पॉन्सिबल होता है टू स्टोर लॉ एंड ऑर्डर होम मिनिस्टर कॉल्स फॉर सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटा ऑन टेरर एंड अदर क्राइम्स नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफिस है बाय 2024 ओके okay, तो यहाँ पे बताया है कि जो नेचर ऑफ क्राइम्स है वो चेंज हो रहा है जैसे अभी इंटरपोल में भी देखा था ट्रांसनेशनल हो गया है क्राइम्स बॉर्डरलेस हो रहे हैं तो स्टेट्स के बीच में भी एक क्लोजर इंटीग्रेशन होना चाहिए जैसे हमने नेक्सलाइट का भी देखा था जहाँ छत्तीसगढ़ और दिस आंध्रा यहाँ जो ट्राई जंक्शन होता है यहाँ सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं सो बिकॉज स्टेट पुलिस पुलिस स्टेट एक सब्जेक्ट हो जाता है स्टेट का पुलिस स्टेट सब्जेक्ट हो जाता है सो दैट इज वाई यहाँ एक यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कोलैबोरेशन जरूरी है सेंटर और स्टेट्स के बीच में तो ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी का टॉपिक है जीएस थ्री में इंटरनल सिक्योरिटी दिस इज इंपॉर्टेंट यू कैन से स्टेट शुड हैव यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन लॉ एंड ऑर्डर तो होम मिनिस्ट्री ने ऐसा सेंट्रलाइजेशन डेटा कलेक्ट करने का बोला है टेरर और दूसरे रिलेटेड क्राइम का नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऑफिस में ये सारा डेटा आएगा और इसके पास पावर भी रहेगा टू तो कॉन्फेस्केट प्रॉपर्टी इन टेरर केसेस में सो दिस इज यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए ताकि जो ट्रांसनेशनल ट्रांस जो स्टेट बॉर्डर के बीच में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है साइबर क्राइम्स है जो रीजनल इंटरनेशनल लेवल के होते हैं इनको हम बेटर डील कर पाए एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एडिशनल पावर टू कॉन्फेस्केट प्रॉपर्टी इन टेरर रिलेटेड केसेस वन डेटा वन एंट्री तो एनआईए के पास ऐसा पूरा डेटा आएगा अब सी एक्चुअली एनफोर्सिंग एजेंसीज बहुत सारी है जैसे एक ईडी है या फिर नार्कोटिक्स है ऐसे पुलिस है सीबीआई है इन सब का डेटा एक जगह आना चाहिए तो देट इज रही है तो इन सब का 11 का डेटा आता है, के पास, इससे होता है। तो एम एच ए ने यहाँ पे बोला है यूनिफॉर्मिटी यहाँ पर जरूरी होगी सो दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट न्यूज मिशन टू एंड वेन गिलगित बाल्टिस्तान पीओके री विद इंडिया तो एंटायर जम्मू कश्मीर जो है वो इंडिया का है बट अनफॉर्चुनेटली अभी ऑक्यूपेशन यहां पर नहीं है सो दैट इज बायन टू एंड वेन गिलगित पाल्टिस्तान पीओ के री यूनाइट विद इंडिया शौर्य दिवस नेटग्रिड की ये जो ग्यारह एजेंसी लिखा है आप इन ग्यारह एजेंसी का नाम बता सकते हैं क्या आंसर देन दिस इज अगेन वेरी अनफॉर्चुनेट ऐसे केसेस काफी राइज हो रहे हैं स्नेचिंग केसेस बी वेरी केयरफुल स्नेचिंग स्प्री लॉ एन्फोर्समेंट यहां पर भी जरूरी है देन ये प्लस है, तो है, है. है? है? यहाँ पर ये सब फोटोग्राफ्स पोस्टर्स पेंटिंग्स फिगराइन के थ्रू ये नेरेटिव यहाँ पे किया है तो ये दहली आर्ट गैलरी है यहाँ पर यह डिमोन्स्ट्रेशन चल रहा है अगेन इफ यू हैव गॉट टाइम इफ यू हैसेस टू दिल्ली यू कैन विजिट दिस प्लेस ओके सो दिस इज़ गुड एक्चुअली क्या होता है ऐसा हम इंटरेस्ट डेवलप करते हैं ना इन सब चीज़ों में और ये हमारे सिलेबस में भी है जैसे फ्रीडम स्ट्रगल हमारे सिलेबस में तो हमें सबकॉन्शियसली बहुत सारी चीज़ें पेरल न्यूज पता चलने लग जाती है पेरीफरल चीज़ें और ये पेरीफरल चीज़ें आज की डेट में एग्जाम जैसा डायनामिक हो गया है ये पेरीफरल चीज़ें ज़्यादा कम आती है आप प्रिलिम्स का पेपर लिखोगे देर इज़ अ वेरी लेस चांस कि आपकी कोचिंग में जो पढ़ाया है वो वहां पूछा जाएगा स्टूडेंट सारा दम लगाते हैं कि उन्हें कोचिंग का टॉपर बनना है और जो यूपीएससी होती है वो कोचिंग को फेल करना चाहती है, वो कल्चर नहीं करती है। उसको नेचुरली टैलेंटेड स्टूडेंट चाहिए जो इन सबको एक्टिवली इंटरेस्ट के हिसाब से जानते हैं सो दट इज वायवलप दिस टेस्ट डेवलप दिस टेस्ट श्रीलंकन नेवी अरे फ्रॉम तमिलनाडु कॉयनेज विदेजेस ऑफ गॉड्स एंड गॉडे बैक टू कुशानी ये गोल्ड का पगोड़ा है 3.4 ग्राम का जो इशू हुआ था ड्यूरिंग द रीन ऑफ हैदर अली इंडिया हैज अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ कॉइनेज विद इमेजेस ऑफ गॉड्स एंड गॉडे हिस्टोरियन कुशान जो सेंट्रल एशियन रीजन का था रूल टिल थर्ड सेंचुरी और यहाँ पर गॉडेस लक्ष्मी का हमें दिस मिला है कॉइन्स में सिंबल तो कुशांस जो थे उनके टाइम पे ये मिला है इसके अलावा इन्होंने बुद्धा एंड गॉडेस लक्ष्मी के ये इशूड हुए थे बाय मोहम्मद बिन साम नोन टू एज मोहम्मद गौरी आफ्टर डिफीटिंग पृथ्वीराज चौहान इन द बैटल ऑफ तराइन इलेवन नाइनटी टू तो ऐसे जो कॉइन्स होते हैं ये हमें अच्छी इंसाइट देते हैं हमारी हिस्ट्री में क्स्ट दिस इज कंटेनिंग द स्प्रेड कंटेनिंग द स्प्रेड ये क्या है वायरल हॉटस्पॉट है और एच फाइव एन वन बर्ड फ्लू के केसेस आ रहे हैं तो हम इनको कल करेंगे वॉट इज द मीनिंग ऑफ कलिंग टेल देन फिशरमैन सेटफायर टू वेल दिस हंड्रेड द फर्स्ट जो एडिटोरियल है वैसे तो इसमें गवर्नर वर्सेस चीफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी का है पॉलिटिकल अंडर भी है वाइस चांसलर्स एक्सेट्रा विल डिस्कस इट लेटर फॉर नाउ जस्ट रोल ऑफ गवर्नर पे हमने आंसर राइटिंग कर लिया है प्रिपेयर आर नोट दैट सफिशिएंट गोइंग ग्रीन तमिलनाडु कंजर्वेशन क्लाइमेट चेंज अनाउंसमेंट आर दिस अवान गार्डे सी क्या है यहाँ कि तमिलनाडु में ये जो एक अपने तरह की पहली पहल हुई है जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानी जा रही है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अच्छा माना जा रहा है इनिशिएटिव वो है क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज के प्रति कंजर्वेशन एफर्ट्स डालना सी तो अनाउंसमेंट्स हुए हैं यहाँ पे जैसे अभी रामसर साइट्स भी यहाँ पे डिक्लेयर किया गया इकोलॉजिकल जोन्स डिक्लेयर किए गए ग्रीन पार्क बनाने की बात हुआ पाकबे बे जो है अगर सत्यमलाई है पाकबे बे है तमिलनाडु इज जो लाइक जोग्राफिकली वेरी ब्लेस्ड तो जो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एटसेट्रा को कंजर्व करने की बात है सिमिलर इंक्रीमेंटल एफर्ट्स भी यहाँ पे हुए पॉलिटिकल विल चाहिए होता है यहाँ पे और लैंडस्केप कंजर्वेशन में पॉलिटिकल इवन जो ग्राउंड लेवल पे, पे पीपल है विलेज लेवल पे भी उनका हमें दिस रिक्वायर्ड होता है दिस कोऑपरेशन तो द आइडिया इज अगेन मिनिमाइज करना है एडेप्शन मिटिगेशन एक्टिविटी करना चाहिए हमें क्लाइमेट फंड की भी बात है यहाँ पे ओवरऑल गो ग्रीन गो ग्रीन एनवायरनमेंट के रिलेटेड ये जो इनिशिएटिव्स हैं इसको हमें कॉस्ट नहीं मानना चाहिए इसको इन्वेस्टमेंट मानना चाहिए बिकॉज एनवायरनमेंट अगर सेफ होता है तो फिर अपॉर्चुनिटीज और आती है अदरवाइज डिजास्टर्स आते हैं और सारे पैसे डिजास्टर में खर्च हो जाते हैं सो so, अगर एनवायरनमेंट कंजर्वेशन करेंगे तो ये जो आपदा का नुकसान है ये बचेगा और इट विल बी एन इन्वेस्टमेंट नॉट अ कॉस्ट द ओल्ड बट रेलिवेंट स्क्रिप्ट ऑफ क्यूबन मिसाइल क्राइसिसको हम एक बार सेपरेटली देख लेंगे एक्चुअली क्या हुआ जैसे अभी यूक्रेन है यहाँ रशिया है और यूक्रेन नेटो में सच है नहीं बट इनडायरेक्टली डायरेक्टली नेटो ही फाइट कर रहा है यूक्रेन में और इट इज अ फाइट गोइंग ऑन बिटवीन एंड रशिया मतलब दिस अमेरिका लेट नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका भी जेनेसिस होता है 1945 के बाद कोल्ड वॉर में जब नेटो मतलब यूएसए और रशिया यूएसएसआर फॉर्मर यूएसएसआर के बीच में फाइट था अब दोनों अपनी आइडियोलॉजीज को आगे बढ़ाना चाहते थे ये कैपिटलिज्म का चैंपियन था ये सोशलिज्म का चैंपियन था तो इन दोनों ने कभी भी डायरेक्ट वॉर नहीं लड़ा दे आर वेरी स्मार्ट कंट्रीज दे विल नेवर फाइट विद ईच अदर डायरेक्टली दे अ थर्ड कंट्री दे थर्ड कंट्री जैसे आज की डेट में यूक्रेन है और ये यूक्रेन में फाइट करेंगे तो जितना डिस्ट्रक्शन हुआ वो किसका हुआ यूक्रेन का हुआ तो द प्रॉब्लम इज कि वर्ल्ड ऐसे डिवाइड हो गया था बहुत सारे थिएटर्स बने जिसपे यूएसए और यूएसएसआर का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बट डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ वो वियतनाम में लड़ेंगे अफगानिस्तान में लड़ेंगे इराक में प्रॉब्लम आएगा सीरिया में प्रॉब्लम आएगा एवरीवेयर तो ये एक बताता है कोल्ड वॉर मेंटेलिटी कोल्ड वॉर मेंटेलिटी और एक और वर्ड आता है ब्रिंक्स दे आर नॉट फाइटिंग बट दे आर जस्ट ऑन वर्ज ऑफ फाइटिंग वो पहुंच गए वहां पे ओके okay? तो दिस इज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस नाइनटीन 62 में, uh, 1962 में, 1962 1962 नहीं नहीं 1962 ही है दिस इज 1962. क्यूबन मिसाइल क्राइसिस होता है तो क्यूबा जो है वो इधर अटलांटिक और यहाँ पर है फ्लोरिडा यूएसए का स्टेट यहाँ पे मिसाइल्स डिप्लॉय हो गए यूएसएसआर के अब जैसे यूक्रेन में यूएसए अपने आर्म्स ला रहा है नेटो में ला रहा है, तो रशिया थ्रेट थ्रेटन फील कर रहा है तो यूएसए थ्रट फील कर रहा था वर्ज ऑफ न्यूक्लियर वॉर यहाँ पर आ गए थे तो द आइडिया इज एक्चुअल वॉर नहीं हुआ उसको डाइवर्ट कर दिया गया बट आज की डेट में भी यूक्रेन क्राइसिस में जिस तरीके की इक्वेशन डेवलप हो रही है का भी थ्रेट वहां पर बना हुआ है लेटेस्ट सी then dismal case of slashing schemes and cutting funds then liquor and run lotteries then the divine glow of this dipavali additional assistance pakistan ko milega यूएसए का भी जो पॉलिसी है टुवर्ड्स पाकिस्तान ये भी एक शिफ्ट आ रहा है इस शिफ्ट के अगर हम इन बिटवीन द लाइंस पढ़े तो दो रीज़न है पहला इंडिया कुछ ज़्यादा अभी जैसे स्टेटमेंट्स आए इंडिया ने अपना सोवरन इंडिपेंडेंट डिसीजनस लिए जैसे वो रशिया के कॉन्टेक्स में इवन जयशंकर साहब ने यूएसए की सॉइल में जाके भी बताया कि किस तरीके से यूएसए पॉलिसी फ्लॉड हो जाती है इंडिया इंडिपेंडेंट पॉलिसी रख सकता है तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग दिस इज ऑल्सो वन का यूएसए फिर डॉलर फोर फिफ्टी मिलियन का अपग्रेड पैकेज देता है अपग्रेड कर देगा सेकेंड जो लिंक है वो ये है कि यूएसए बिकॉज पाकिस्तान को हमेशा हेल्प की जरूरत पड़ती है वो हेल्प अभी चाइना से मिल रही है यूएसए वो हेल्प प्रोवाइड कर देगा तो पाकिस्तान की डिपेंडेंसी चाइना पे कम होगी देन फिर यूएसए पाकिस्तान को एज अ टूल यूज कर सकता है फॉर यूएसए के इंटरेस्ट अगेंस्ट चाइना सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग तो अभी यूएसए यहां पर दिस एडिशनल हेल्प दे रहा है देर इज नो डाउट फ्लड में हेल्प की जरूरत पड़ती है बट आई आर में जैसे फोर फिफ्टी मिलियन डॉलर का भी अपग्रेड भी हुआ दिस इज ऑल्सो वन अंडर करेंट आई एम एफ अग्रीज टू लोन्स फॉर इजिप्ट रीलिंग अंडर द पैंडमिक एंड वॉर्स डबल बर्निंग दिस दिस क्रिकेटस टू बी पेड द सेम अमाउंट इसको आगे देखते हैं गुड न्यूज

फॉर क्या था ब्रेकफास्ट में फॉर लंच फॉर डिनर लाइक दैट करेक्शन और करेक्टनेस होता है करेक्टनेस मतलब होता है ट्रुथ एक्यूरेसी आई हैव ग्रेट डाउट रिगार्डिंग द करेक्टनेस ऑफ इज स्टेटमेंट दैन करेक्टनेस ऑफ डेट तो दिस इज एक्सी करेक्शन मतलब आप गलतियां निकाल रहे हो जैसे टीचर्स क्या करते हैं द मोस्ट लेबोरियस इज करेक्शन वर्क करेक्शन इनवॉल्व मेकिंग राइट वॉट इज रॉन्ग ब्रिज बिफोर यू कम टू इट तो इसका मतलब है कि फ्यूचर की प्रॉब्लम फ्यूचर में होगी और फ्यूचर की प्रॉब्लम के, के लिए हमारे पास फ्यूचर स्ट्रेंथ भी होगी बट वो स्ट्रेंथ तो आज नहीं है सो वॉट वी साइकोलॉजिकली एट टाइम्स डू फ्यूचर प्रॉब्लम्स में हम आज ही परेशान होने लग जाते हैं एंड वी वेस्ट अ लॉड ऑफ टाइम नो फ्यूचर प्रॉब्लम्स फ्यूचर में आएगी और उस फ्यूचर में आपके पास स्ट्रेंथ भी आ जाएगी उस फ्यूचर प्रॉब्लम को डील करने का सो थिंक लाइक लाइक दैट ओके ओके डोंट क्रॉस द ब्रिज बिफोर यू कम टू टू इट वी शुड नॉट वरी अबाउट देम मच इन एडवांस ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए हाउ डू यू प्रनाउंस दिस एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट मतलब जैसे फैट बैट कैट ऐसे बोलते हैं इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज तो इट इज अ लाइक शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट फॉर्म थीसिस ही इज कंसीडर्ड अ ग्रेट लीडर आई कंसीडर ऑनेस्टी अ वेरी ग्रेट वर्च्यू आइडिया वंडरफुल है इनकॉम्पिटेंट बाय द कॉमेडी देन रिगार्ड में लीडर the okay? तो ये तो हो गया इंग्लिश और दिस इज एल फ्रेस्को इन दतल होता है आउट डोर आउटसाइड आउट ऑफ डोर ओके अच्छा दिस मौसम में बाहर लंच करते हैं ये आज का क्विज है क्विज सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते कुछ सेलेक्टिव जो हमारे काम के होते हैं उसको हम देखते हैं जैसे ये मुगल्स पे है

तो दिस इज गुड काफी इन्वेस्टमेंट आ रहा है यहाँ पे दिस एविएशन कॉप्टर क्रैश जो हुआ था इंजन इश्यू के कारण हुआ जयशंकर साहब अब मॉस्को जा रहे हैं इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क रिकॉर्ड इल्ड है वेजिटेबल okay. का ये जीएम मस्टर्ड है अभी इसका तीन क्रॉप सीजन देखेंगे अप्रूवल मिल गया है जीएम मस्टर्ड का दिस दिस बीटी कॉटन का भी अप्रूवल मिल गया है बीटी ब्रिंजाल का अप्रूवल है या नहीं टेल जीएम मस्टर्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड का अभी कुछ क्रॉप साइकल्स टेस्टिंग होगा यहाँ पे तो द आइडिया इज प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए बेस्ट रेजिस्टेंट भी होना चाहिए बट एनवायरमेंट को हम पर हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए देन दिस इज यूक्रेन एग्जिटेड टॉक्स ऑन यू एस पाकिस्तान में डिसऑर्डर शी जिनपिंग एंड चाइनाटिंग डिसीडेंस रूपी थोड़ा मजबूत बना है गुड रशियन ऑयल यूएस ग्रोथ रिबाउंड आर बी आई पॉलिसी इन्फ्लेशन इज अग पेन हाई इन्फ्लेशन देन नॉर्म्स ई सी बी ओके दे ये स्पोर्ट्स है और ये बहुत अच्छी न्यूज है दिस इज बी सी सी आई टेक्स फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स जेंडर इक्वेलिटी तो जो मैचेस होते हैं वो अब लाइक like सेम जो प्लेयर है इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो तो इट डजेंट मैटर वो मैन या वुमेन है सबको बराबर पैसा मिलेगा बोर्ड डेज इज मैच फी फॉर वुमेन एंड इंटरनेशनल प्लेयर्स ऑन पावर विद दैट मेल काउंटर पार्ट यहाँ पे एक डिसीजन लिया गया विच इज़ रियली गुड मूव स्टेप इन द राइट डायरेक्शन जिसे ये लिखा है मिथाली राज फेमस क्रिकेटर दिस इज़ अ हिस्टोरिक डिसीजन फॉर वुमेन्स क्रिकेट इन इंडिया पे इक्विटी पॉलिसी अलोंग विद दिस आईपीएल भी होने वाला है तो इससे एक्चुअली स्पोर्ट्स को फायदा मिलेगा फायदा मिलेगा बहुत जूलन गोस्वामी द लेजेंड ग्रेट इनिशिएटिव है बीसीसीआई का मोटिवेट यंग गर्ल्स टू मेकअप क्रिकेट एज अ करियर ऑब्वियसली स्पोर्ट्स में भी आप अपना करियर बना सकते हो अक्सर स्टूडेंट्स को केवल यूपीएससी नजर आता है यूपीएससी इज रियली गुड बट इट इज जस्ट अ वन विंडो टू अचीव योर ड्रीम्स देर कुड बी सेवरल अदर विंडोज एंड डोर्स एज वेल ने भी बताया दिस इज गुड ऑल राइट इससे रिलेटेड आप डी पी एस पी क्या है बताइए डीपीएसपी है क्या कोई ऐसा जो बताता है जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए इक्वल पे इक्वल वर्क समथिंग लाइक दैट टेल सो ये तो हो गया न्यूज पेपर जो नोट्स हैं गिव मी सम टाइम में उसको स्ट्रीमलाइन करूंगा न्यूज़पेपर वीडियो भी अर्ली ऑन दिस डे ट्राई करूंगा गिव मी सम टाइम ओके आंसर राइटिंग का हम कल डिस्कस करेंगे ऑल राइट सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ